नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो जीडी कॉमर्स और जितने भी पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। आप सभी को पता ही है कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी जो स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम देने में अपनी आंसर शीट सबमिट करने में बहुत सी गलतियाँ कर रहे हैं। तो अब जो है संशय बन गया कि उनकी जो आंसर शीट है वो किस प्रकार से चेक होगी, और साथ ही साथ जो काफ़ी स्टूडेंट हैं उनको इंटरनेट की और अदर जो समस्या है उनका सामना करना पड़ रहा है, नेटवर्किंग प्रॉब्लम। तो इसको लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है जितने भी पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जितने भी स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी के इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है ये आज की न्यूज कटिंग है। इसमें साफ साफ लिखा है कि परीक्षा के दौरान हड़बड़ी में छात्रों ने नहीं लिखे पेपर कोड, खड़ी हुई समस्या। तो जो स्टूडेंट है वो जल्दबाजी में अपने जो पेपर कोड है, अपनी आंसर शीट है, उसमें अपनी जानकारी ही लिखना भूल रहे हैं, तो इससे जो है समस्या खड़ी हो गई है। और साथ ही साथ इसमें लिखा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी की ओर से करवाई जा रही अंतिम वर्ष की परीक्षाओं में छात्रों के पसीने छूट रहे हैं, कभी उन्हें नेट रुला रहा है तो कभी डाकघर पहुंचने में उनके पसीने छूट रहे हैं। तो आप सभी को पता ही है कि काफ़ी स्टूडेंट को इंटरनेट की समस्या हो रही है और काफ़ी स्टूडेंट जो डाकघर जाने में जो है उनको काफ़ी टाइम लग रहा है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके साथ काफ़ी दिक्कत आ रही है, और साथ ही साथ जो हिमाचल प्रदेश पंजाब के भी काफ़ी गाँव में स्टूडेंट हैं जो उनको भी दिक्कत आ रही है। कुछ स्टूडेंट ने उत्तर पुस्तिका व PDF पर अपनी जो डिटेल थी वो डाल दी, लेकिन पेपर कोड डालना भूल गए हैं। जानकारों का कहना है कि हड़बड़ी में छात्रों ने ऐसा किया है, ऐसा उनसे हो गया है। अब ऐसे छात्रों की कॉपी निकालने में दिक्कत खड़ी होगी, तो बहुत ही बड़ी दो दिक्कत जो है खड़ी हो गई है प्रशासन के सामने, क्योंकि उन्होंने अपने जो पेपर कोड हैं वो नहीं लिखे। ठीक है, तो आपको मैं बता दूँ कि आप अपनी आंसर शीट है, जो आपकी आंसर शीट है उस पर आपको जो भी डिटेल मेंशन करनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट में। एक बार पहले इसको पढ़ लेते हैं, और इसमें लिखा है कि हालांकि समस्या का हल हो जाएगा, लेकिन समस्या का हल हो जाएगा इसका। उधर पंजाब यूनिवर्सिटी परीक्षा से वंचित रहने वाले छात्रों की परीक्षा बाद में करवाने की योजना बनवा रहा है, तो जो स्टूडेंट रह जाएंगे परीक्षा देने से उनकी जो एग्ज़ाम है वो बाद में करवाए जाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, जो स्टूडेंट अपनी जानकारी नहीं लिख रहे हैं। तो आप सभी को ये जिम्मेदारी है कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हर एक स्टूडेंट को पता लगे कि क्या क्या उनको जो है अपनी आंसर शीट में लिखना है। वो मैं आपको बाद में बताऊँगा लास्ट में। थोड़ा इस वीडियो को पढ़ लेते हैं एक बार इस न्यूज को। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं में शुक्रवार को 50,000 से अधिक जो है विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था, और 30 से अधिक विषय जो सब्जेक्ट आपकी उसकी एग्ज़ाम हुए थे। स्नातक व स्नातकोत्तर जो UG और PG के विद्यार्थी को परीक्षा से 20 मिनट पहले जो है ईमेल पर या व्हाट्सएप के जरिए आपको जो क्वेश्चन पेपर भेज दिया गया था, और कुछ विद्यार्थियों ने पेपर डाउनलोड नहीं हो रहा था क्योंकि उनको नेटवर्किंग प्रॉब्लम थी, तो मदद के लिए संबंधित विभाग के शिक्षक जुटे थे, तो उनकी जो मदद की गई है जो आपके टीचर थे उनके द्वारा नोडल केंद्रों के जरिए भी उनकी समस्या का हल किया गया। लद्दाख के जो विद्यार्थी थे उनको इंटरनेट की दिक्कत आ रही थी, और इसके साथ ही उन्हें डाकघर के जरिए उत्तर पुस्तिका भेजने के लिए लंबी जो दूरी का तय करनी पड़ रही थी, और वहां पर जाकर उनको काफ़ी जो प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि कई बार डाकघर बंद हो जाता है शाम के वक्त। तो शाम तक अधिकांश विद्यार्थियों की PDF पंजाब यूनिवर्सिटी को मिल गई, तो जैसे तैसे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अपनी PDF भेज दी। वहीं कुछ छात्रों ने डाकघर से उत्तर पुस्तिका भेज दी, तो काफ़ी स्टूडेंट ने अपनी उत्तर पुस्तिका जो है पोस्ट ऑफिस के जरिए भेज दी है। और साथ दोस्तों ये आपकी आंसर शीट है, मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या जो जानकारी अपनी फिल करनी है। इसमें आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना है, इन फिगर यहाँ पर वर्ड लिखना है, ठीक है, और यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर पेपर का कोड, ठीक है। आप यहाँ पर लास्ट में लिखोगे कितने आपने पेज फिलअप किए हैं, और पेज नंबर लिखना ना भूलिएगा आप, और साथ ही साथ जब आपका एग्ज़ाम है तो यहाँ पर अपने डेट लिखनी है आपको, और सिग्नेचर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा आप, सिग्नेचर बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपकी जो आंसर शीट है वो चेक नहीं होगी। और साथ ही साथ ये जो गलती कर रहे हैं स्टूडेंट पेपर कोड लिखने की, यहाँ पर आप अपना सब्जेक्ट कोड भी लिख सकते हो और आपका जो पेपर पर कोड होता है वो भी लिख सकते हो, दोनों लिख देना यहाँ पर, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और एग्ज़ाम और आपका जो यहाँ पर सेमेस्टर है, जो क्लास है, वो सब यहाँ पर आपने लिखना है, और साथ ही साथ जितने भी नेक्स्ट पेज होंगे आपके उन पर आपको सिग्नेचर, अगर आपके दिए हैं तो सिग्नेचर भी करने आपको,
नीचे लास्ट में, और साथ ही साथ पेज नंबर लिखना ना भूलिएगा। और ये जो जानकारी है आप पहले से ही आप अपनी जो है फिल करके रख लीजिए, क्योंकि आपको पता ही है कि आज एग्ज़ाम है, तो कुछ देर पहले ही आप अपनी पहले से ही तैयारी कर लो कि अपनी जो आंसर शीट है उसमें सारी डिटेल लिख लो पहले ही, तो आप पहले ही लिख के रख लो, इससे आपका जो समय है वो भी बच जाएगा और आप भूलोगे भी नहीं। तो आप ये मिस्टेक कर रहे हो, अपने सिग्नेचर नहीं कर रहे, काफ़ी स्टूडेंट कहीं जो है अपने कोड नहीं लिख रहे, तो इससे संशय बन गया है। लेकिन आपकी जो आंसर शीट है वो तो चेक हो जाएगी, फिर भी जो काफ़ी दिक्कत आएगी उनको आपकी रिकॉर्ड रखने में, तो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपनी जो आंसर शीट है उस पर जो अपनी जानकारी है वो पूरी की पूरी फिल करके रखिए आप, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ जो अपनी जानकारी है वो ध्यान से लिखिए आप, क्योंकि मिस्टेक आप बहुत कर रहे हो तो आगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ अपने सिग्नेचर वगैरह, अपने कोड वगैरह, रोल नंबर सब लिखिए। तो आगे जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा, आगे जो भी अपडेट होगी आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।